अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कुछ खास। दोस्तों आज के वीडियो में क्या है कुछ खास, तो मैं बात करने वाला हूं टॉप फीचर स्मार्टफोन्स के हवाले से। तो आज कुछ खास होगा इसी के बारे में। यार आजकल लगता है हर कंपनी अपने स्मार्टफोन के जरिए एप्पल के आईफोन एक्स और सैमसंग गैलेक्सी S9 को पीछे छोड़ना चाहती है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि ऐसे कौन से फोन्स हैं कि जो वाकई सैमसंग गैलेक्सी S9 और एप्पल के आईफोन एक्स के टक्कर के हैं। यहाँ पे दोस्तों आजकल एप्पल आईफोन एक्स की नॉच जैसे तकरीबन सभी एंड्रॉयड फोन बनाने वाली कंपनियां जो है उसको कॉपी कर रही है। उसके साथ साथ जो है वो आपको फेस अनलॉक, कम से कम बेजल और कैमरा टेक्नोलॉजी के अंदर भी खासा कॉम्पिटिशन नजर आता है। तो ऐसे ही चंद फोन के बारे में जानते हैं जिनके सामने ट्रेंड सेटर आईफोन एक्स और सैमसंग गैलेक्सी S9 भी काफी बेजार नजर आते हैं। नंबर वन इज ओप्पो फाइंड एक्स। दोस्तों ओप्पो ने इस फोन के जरिए वाकई ही लोगों को चौंका दिया है। मतलब यहां पर ये पहला फोन होगा जिसके फ्रंट के ऊपर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% मिलेगी, मींस ऑलमोस्ट बेजललेस फोन। और यहां पर स्लाइडिंग वाले एरिया के अंदर कैमरास को छुपा दिया गया है। फ्रंट के ऊपर आपको जो है वो 25 मेगापिक्सल और बैक के ऊपर 16 और 20 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप मिलते हैं जिनको स्लाइडिंग के अंदर छुपाया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो इस फोन की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इसकी प्राइस। 1,40,000 रुपए में ये फोन पाकिस्तान में मिलेगा। और आप इस फोन के बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर टू इज वीवो नेक्स। और दोस्तों वीवो के इस फोन की धूम लास्ट ईयर इसके कॉन्सेप्ट डिजाइन के बाद से मची हुई है, जहां पर फ्रंट कैमरे को बॉडी के अंदर छुपा दिया गया है और ये कैमरा किसी टोस्टर की तरह ऊपर उछल कर आता है। साथ ही साथ स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर और स्क्रीन को ही स्पीकर के तौर पर इस्तेमाल करना इस डिवाइस को खास बनाने वाले फीचर्स हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये फोन भी खासा महंगा होने वाला है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए में। नंबर थ्री इज हवावे P20 Pro। और दोस्तों लगता है हवावे को स्मार्टफोन की बैक के ऊपर दो कैमरे कम महसूस हुए, तो उसने तीन कैमरों वाला फोन दे दिया, जहां पर मिलेगा आपको एक कैमरा कलर, दूसरा मोनोक्रोम और तीसरा होगा फोटो टेलीलेंस। तो यकीनन दोस्तों ये फोन फोटोग्राफी के हवाले से खासी अहमियत का हामिल है। साथ ही साथ इस फोन का जो एक और फीचर है वो है इसकी कलर चेंज करने वाली बॉडी, जिससे नजरें हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक, एक कमी जो खासी अहमियत की हामिल है और वो है इसकी प्राइस जो कि होगी 1,00,000 रुपए। तो ये सुन के आपको कैसा महसूस हुआ नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर फोर इज मेट्रोला Z3। और दोस्तों मेट्रोला इस वक्त वाई कंपनी है जो कि स्मार्टफोन के अंदर मॉड्यूलर सिस्टम को अपनाए हुए है, जहां पर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की इजीली रिप्लेसमेंट मिल जाती है। और मोटो Z3 इस मॉड्यूलर सिस्टम की ताजा मिसाल है। और सबसे बेहतरीन चीज ये कि ये एक मिड रेंज डिवाइस होगी और इस फोन की जो खासियत होगी वो होगी इसका मॉड्यूलर सिस्टम और इसकी बैटरी की लंबी लाइफ। जहां तक प्राइस की बात है दोस्तों, तो इस फोन की प्राइस होने वाली है 55,000। आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर फाइव इज Xiaomi Mi 8। और दोस्तों इस फोन का बैक काफी इंप्रेसिव है और स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ Xiaomi का ये फोन एक्चुअल में आईफोन एक्स की कॉपी है। साथ ही साथ यहां पर आपको देखने को मिलता है 3D फेस अनलॉक नॉच वाला डिस्प्ले जो कि आईफोन एक्स की फीचर्स के ऑलमोस्ट करीब तरीन है। अगर प्राइस कंपैरिजन की बात की जाए तो ये मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ 55,000 में। तो ये फोन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।